उत्तर प्रदेश चुनाव में जो खर्च हुआ है उसे कहां से वसूला जाएगा? ऐसे ही तो वसूला जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। सुकमा से लेकर के कुपवाड़ा तक जो शहीद हैं, उन शहीदों की माओ से कभी मिलने की कोशिश करिए और उन माओ के एहसास को समझने की कोशिश करिए। कैप्टन आयुष यादव कानपुर, उस माँ के रोते हुए चेहरे को देखा है करीब से मैंने। जवान शेर मोहम्मद के माँ के रोते हुए चेहरे और दुआ के लिए उठे हुए हाथ को देखा है मैंने। लेकिन मुझे अफसोस है कि विपक्ष में रहते हुए ईंट से ईंट बजा देने की बातें करने वाले हमारे देश के महोदय निंदा नाथ बन के रह गए। निंदा कर रहे हैं और देश को लगातार शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, शायद उन माओं का दर्द है इन पंक्तियों में, और अगर सिमट आया हो उन माओं के एहसासों का दर्द और सच्चा हो तो मुझे दुआ दीजिएगा। के और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, हम रोहित वेमुला का मातम बनाते रहे, हमें तोहफे में नजीब दे दिया गया, हम नजीब के नाम का रोना रोते रहे कि हमें तोहफे में जामताड़ा में मिन्हाज अंसारी दे दिया गया, हम मिन्हाज के नाम पे रोते रहे कि हमें कतारों में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया, हम उसके लिए भी रोते रहे कि हमें सुकमा और कुपवाड़ा और कश्मीर में तमाम मौतों का तोहफा दिया गया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, क्यों उनके एहसास नहीं जाग रहे? शायद इसलिए। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहेब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहेब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, औलाद करोगे साहेब, करोगे साहेब, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहेब, करोगे साहेब। हमारी आंखों ने ऐसे भी दृश्य देखे साहब कि एक सूट है जिसकी जब बोली लगने पे आई तो 4 करोड़ से ज्यादा में लगी, लेकिन हमारी आंखों ने बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देखा कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रहीं। कैसा राष्ट्रवाद, कैसी देशभक्ति। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं और मुझे किसी भी सियासी दल से कोई गुफ्तगू नहीं करना, मुझे उससे बात करनी है जिस शख्स ने 4 करोड़ से ज्यादा में उस उतरे हुए सूट की बोली लगा करके उसे खरीदा था। शायद ये लालू जी की शैली है, शायद ये लालू जी की भाषा है। अगर लगे कि हाँ वही भाषा है तो उसी अंदाज में आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब, के बुढ़ापा क्या खरीदा है जवां मर्दी खरीदो तुम, बुढ़ापा क्या खरीदा है जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। मेरा गुस्सा सिमट आया हो तो बताइएगा मुझे, सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो
बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। पहली बार जब लालू जी को कभी सुना था तो वो वाला भाषण मेरी आंखों में है जो आजकल वायरल भी है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, जब आप एक निरंकुश घोड़े का रथ पकड़ने के लिए तैयार खड़े नजर आए थे। और देखिए निराश होने की जरूरत नहीं है, दिलीप मंडल सर से बहुत मेरी इस विषय पे बात हो रही थी कि कोई अमृत पी करके नहीं आया है, ये जो लगातार जीत का सिलसिला और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है ये अमृत पी करके नहीं आए हैं, कमियां इनमें बहुत हैं, बस हम एकजुट होकर के उन कमियों को हिंदुस्तान के सामने रख तो पाएं। और कहीं ना कहीं ऊपर एक ताकत भी बैठी, हम सारे लोग ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम खुदा को ईश्वर को भगवान को अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, हमें ये पता है कि कोई एक ऊपर भी अदालत है जो इनकी हिटलर शाही को कहीं ना कहीं तो रोकेगी और जरूर रोकेगी, और रोका है ऊपर वाले ने ऐसा करके दिखाया है। और जब ऊपर वाला करके दिखाता है साहब तो कब लोग दर्शक मंडल से मार्गदर्शक मंडल से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएं उस एहसास तक तो मुझे बताइएगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, सुन के बताना बिहार वालों, आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं इस देश का एक आम सा इंसान हूं, इमरान नाम है मेरा, चीजें बदली हैं और उन चीजों को आपसे साझा करने के लिए इसलिए भी खड़ा हूं कि चीजें बहुत बदल गई हैं। मैं चेहरे से मुसलमान नहीं लगता हूं, मैं ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में सफर करता हूं, और जब मेरे मोबाइल पर फोन आता है और जब मैं जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता हूं तो मेरे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बदले हैं, बहुत बदले हैं। और हमें उस हालात से आंख चुराने की नहीं बल्कि आंख मिलाने की जरूरत है, हमें बात करनी पड़ेगी। मैं एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा रहता हूं तो सिक्योरिटी चेक वाला जब मेरा नाम पढ़ता है तो उसकी उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बदले हैं। और अब इस बदले हुए हालात को समझने की जरूरत और उससे लड़ाई लड़ने की जरूरत, सामाजिक न्याय के जो लोग इस लड़ाई को समझने की जरूरत है, उनका अपना दर्द है, वो बिल्कुल आपका दर्द साझा हुआ, आपने उसे हम सबसे बांटा, मैं भी उसी दर्द को बांट रहा हूं, ये बात समझने की भी जरूरत है। और खास तौर से मैं जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये वही बिहार है जो हैदराबाद से आए हुए एक साहब को जमानतें जब्त करके वापस भेजता है, ये वही बिहार है, मेरा उत्तर प्रदेश भी यही काम करता है। और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों को मैं इसलिए सलाम करता हूं कि 47 से आज तक कभी किसी मुसलमान को उन्होंने अपना नेता नहीं माना, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को अपना नेता माना शुरुआत में, फिर इंदिरा जी को अपना नेता माना, फिर बीपी सिंह साहब को अपना नेता माना, फिर लालू जी को अपना नेता माना, मुलायम सिंह जी को अपना नेता माना, अखिलेश जी को अपना नेता माना, मायावती जी को अपना नेता माना। आज जरूरत इस बात की आन पड़ी है कि वो जो पुराने दिन थे जो सेकुलरिज्म की वो वाली लड़ाई थी उसको हम लोगों को भी समझ करके लड़नी पड़ेगी। मैं अपनी कम्युनिटी के भी लोगों से ये बात कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो राजनीतिकरण किया है सांप्रदायिकता का उसे और बेहतर तरीके से समझिए, वो आपको सियासी अछूत बना देना चाहते हैं, आप इस बात को समझिए, अगर नहीं समझे तो मुश्किल होगी। आरएसएस कहता है कि 85% हिंदू एक तरफ हो जाओ, उधर एक भाई साहब है वो कहते हैं कि गयूर मुसलमानों एकजुट हो जाओ। अब मैं इस मंच पे खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि वो हिंदू वो मुसलमान जो मिलजुल करके रहना चाहते हैं उनके लिए स्पेस कहां है, हम किसी पाले में नहीं जाना चाहते, हम इस देश में सेकुलरिज्म का जो ताना बाना है
हम तो चाहते हैं कि ईद में हमारे घर तेजस्वी सेवैयां खाने आए और होली के रंगों में हम तेजस्वी को रंग लगाते हुए नजर आए। हम तो ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं और ऐसा ही हिंदुस्तान और समय समय पर साबित भी करते रहे। मुझे याद आता है कि नफरतों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, मीडिया के तमाम साथी, मैं चाहता हूं यह सच भी दुनिया के सामने जाए कि सांप्रदायिकता को जब जब जरूरत पड़ी है सबने उसका चेहरा काला करने की ही कोशिश करी। आपको याद होगा मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के हुकूमत के पास लिखित तौर पे देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं तो उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देखता हूं। मैं उस हिंदुस्तान का हामी। हिंदुस्तान किसी तोगड़िया की तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब कि जब लालू जी के बगल में अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठ करके आप लोगों से एकजुट होने की बात करते हैं। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का हामी हूं और वही हिंदुस्तान, वही मंजर इस देश को बचा भी सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये बातें कहता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। मैं चाहता हूं तमाम सारे लोगों से कहता हूं कि सिर्फ वक्त मत लगाइए नफरतों से लड़ने के लिए, सिर्फ वक्त मत लगाइए, खुद को भी लगाइए, धन लगाइए, बल लगाइए, ताकत लगाइए, हिकमत लगाइए, क्योंकि वो सारी ताकतें लगा रहे हैं, वो साम दाम दंड भेद के साथ आपके साथ खड़े हैं। इसलिए आपको भी जरूरत पड़ेगी। और जो धनाढ्य लोग हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि नफरत वाली ताकतों से लड़ने के लिए चौराहे चौराहे सांस्कृतिक आयोजन करिए। इनसे सांस्कृतिक तौर पर लड़ना पड़ेगा, इनसे साहित्यिक तौर पर लड़ना पड़ेगा, बौद्धिक तौर पर लड़ना पड़ेगा, वरना ये दौलत, ये पैसा, पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन वही सीता जब सोने की लंका में बिठा दी गई तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। तो बिहार वालों, मैं आपको पुकारता हूँ कि इस तरह का एक फोरम खड़ा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7-8 मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं अंतिम कविता आपको सुनाना चाह रहा हूँ। नहीं, अंतिम अंतिम कहना आदत होती है हम कवियों की, तो हमें भी पता है कि और सुनाना है, ऐसा करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश वाले इतने समझदार तो हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में एक बस कंडक्टर की, बस का टिकट काटने वाले की शादी हुई, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सरकिए, दो सवारियां और बैठेंगे। तो ये तो आदत है, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और आप भी मतलब बहुत संजीदा ना हो जाए, बहुत आवरण ना ओढ़ लें, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे इसी मंथर गति से आगे बढ़ता हूँ। एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। देश के तमाम बड़े टीवी चैनलों पे बैठ करके तमाम बड़े बड़े विवेकानंद साहब की शक्ल जैसे प्रवक्ता जो हैं, वो चैनलों पे बैठ के कहते हैं कि नहीं, नोटबंदी से इस देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी दमदारी के साथ ये बात चैनलों पे चिल्ला चिल्ला के रखते हैं, लेकिन वो प्रवक्ता ये नहीं बताते कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ देश को। कमर टूट जाएगी नक्सलवाद की, आतंकवादियों की, ऐसा हो जाएगा, पत्थरबाज खत्म हो जाएंगे, कुछ तो नहीं बदला साहब। सरकारी आंकड़े हैं कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है नोटबंदी के बाद से अब तक। मैं कविता आपको सुनाता हूं, एक ऐसा विषय जो मुद्दा बन सकता था,
एक ऐसा विषय जो आम आदमी की जिंदगियों से जुड़ा हुआ विषय था, लेकिन ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति की चाशनी में लपेट करके उन्होंने देश के सामने ऐसी बात रखी कि देश जो है लाठियां खा करके भी, कतारों में लग करके भी, मौतों का तोहफा लेकर के भी देश उस मुद्दे पर चुप रह गया। शायद कमी विपक्ष की थी, और मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि विपक्ष इस देश की संसद में कम, संस्थानों में ज्यादा बचा है। इसीलिए उन्हें संस्थानों से चिढ़ है, इसीलिए उन्हें जेएनयू से चिढ़ है, इसीलिए उन्हें जामिया से चिढ़ है, इसीलिए अलीगढ़ से, इसीलिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी से उन्हें चिढ़ है, क्योंकि वो डरते हैं संस्थानों से, वो डरते हैं इन नई आवाजों से जो गैर राजनैतिक तौर पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे में मैं कविता आपको सुनाता हूं साहब। कहा गया कि बड़े बड़े जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं वो कतारों में खड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं कविता सुनाता हूं के जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। रात के 8 बजे टीवी चैनल की स्क्रीन जो है वो काली हुई, ऐसा लगा जैसे आपातकाल लागू होने जा रहा है। उससे पहले थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष के साथ मीटिंग की, देश को डर लगा कि कहीं हमला तो नहीं करने जा रहा, और उसके बाद हमला हुआ, लेकिन किसी पड़ोसी मुल्क पर नहीं बल्कि गरीबों की जेब पर। मैं कविता सुनाता हूं साहब आपको के जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगली पंक्ति में मुहर लगाइएगा। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। नोटबंदी के 40-45 दिन तक पुरानी नोट से डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन अनाज नहीं बिका, दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी किसानों की है। उनका सामान बिकेगा लेकिन आपका नहीं बिकेगा। अगर आप इस महीन रेखा को नहीं समझ पा रहे हैं और भक्तई का चश्मा चढ़ा हुआ है, तो आने वाला वक्त आपके लिए भी मुश्किल भरा होगा। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। कहते पेटीएम करो, पेट्रोल भरवाना है तो पेटीएम करो, मोबाइल से पेमेंट करो, डीजल लेना है तो मोबाइल से पेमेंट करो। आप सारे लोग मुझे बताइए, तकरीबन 5-6 साल से मैं खुद देख रहा हूं कि डीजल और पेट्रोल के बड़े बड़े पंपों पे एक स्लोगन लगा होता है कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, विस्फोट हो सकता है। अब आप बताइए, अगर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या पेमेंट नमो नमो करके ट्रांसफर हो जाएगा? मोबाइल का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा पेटीएम के लिए। अजीब जाहिलाना और अहमकाना फैसला, लेकिन देश चुप है साहब। के 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब के माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। याद ही आबादी, पति से चुरा करके, बेटे से चुरा करके,
परिवार वालों से चुरा करके, जोड़ जोड़ करके, कहीं 500 की नोट मिल गई, कहीं 1000 की नोट मिल गई, किस तरह से समेट के रखा था आप सारे लोगों ने, लेकिन एक झटके में डाका डाला गया। और आप ये मत समझिएगा कि वो राजनैतिक चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, वो रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं कभी सोचिएगा राजनीति में। जब उन्हें लगता है कि गाड़ी फंस गई है, फैसला बैकफायर कर रहा है, तो वो शख्स 97 साल की बूढ़ी माँ को लाइन में लगाने से नहीं चूकता है। आप समझिएगा कि रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं साहब। आप धूर्तता की इंतहा समझिएगा। इसलिए बहुत सजगता से इस लड़ाई को लड़ना है कि मल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्ने मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्ने मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 2000 की नोट लाल रंग छोड़ती है, शुरू में तो बहुत छोड़ती रही, दरअसल वो रंग नहीं था, वो जो कतारों में 125 से ज्यादा लोग मरे थे उनके लहू का असर था जो नोट में आ गया। मैं पढ़ता हूं साहब कि पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है, 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है, 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है, लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। एक अंतिम 4 मिनट के कविता के साथ मैं इस कार्यक्रम अपना सत्र समाप्त करता हूं, क्योंकि आपको लंच के लिए भी जाना है और उसके बाद हम सारे लोगों को दिलीप सिंह मंडल सर को सुनना है। एक बहुत गंभीर कविता थोड़ी देर के लिए मुझे मन दे दें तो मैं अंतिम में जिन मुद्दों को लेकर के मैं देश में लगातार मुखर रहा हूँ उस एक अंतिम कविता को आदरणीय लालू जी के सामने और खास तौर से आदरणीय राबड़ी जी के सामने मैं उस कविता को रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों लोग एहसास रखने वाले लोग हैं। मैं कविता सुनाता हूँ जिस कविता का शीर्षक है नजीब। मैं वो कविता बड़ी सुनी गई पूरे देश में, तो मैं अंत में सांप्रदायिकता ने कहाँ तक अपना असर छोड़ा है साहब, कि एक माँ का बच्चा पिछले तकरीबन 7 महीने से गायब है, बेटा गायब है, देश की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से, लेकिन मीडिया भी बात करने को तैयार नहीं, और जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट से लेकर के जेएनयू के एडब्लॉक तक रोती हुई इस माँ के आंसुओं पे बात करने के लिए देश का कोई कायदे का शख्स तैयार नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति जो सत्ता में बैठा है वो तैयार नहीं। मैं उस माँ की तरफ से कविता आपको सुनाता हूँ, वो माँ जो सिर्फ सबसे ये पूछ रही कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक माँ के आंसू मीडिया को, राजनीतिक संस्थानों में बैठे हुए लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहे। माँ के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, माँ के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना, फिर आखिर क्यों नजर नहीं आ रहा। रमेश सोज ने कभी एक शेर कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं 3 मिनट के बहुत सार्थक से अंत में कविता आपको सुना करके विदा लेता हूँ आप सबसे, उस माँ की तरफ से जो अपने बेटे को तलाश रही है। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। थोड़ा सा आप सारे लोग और जुड़ेंगे तो मैं इस कविता को और बेहतर तरीके से पढ़ पाऊं, थोड़ा सा आप सबकी शिरकत। के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली,
समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे वो आंखों में अशकों का दरिया समेटे वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है तड़प करके ये एक माँ कह रही है के नहीं पूछता है कोई हाल मेरा नहीं पूछता है कोई हाल मेरा कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं वही है मेरी जिंदगी की कमाई वही है मेरी जिंदगी की कमाई वही तो है सदियों का आमाल मेरा कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आज के सत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, किससे शिकायत करूं? महोबा की जनसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय खड़े होकर कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं, मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिलाना चाहते हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस देश के युवाओं की आवाज बनकर के 7 RCR के बाहर खड़ा होकर के चीख चीख करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन, वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं मानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं, वरना सियासी बातें तो सियासी बातें, किससे शिकायत करूं? और कभी कभी सोचता हूं कि अपने न्यूज रूम में बैठ करके हमारे टीवी चैनलों के जो बड़े एंकर हैं, जो पत्रकारिता का चौथा स्तंभ, जो इस देश में पत्रकारिता का एक नया खांचा गढ़ रहे हैं, मैं छोटे शहर के पत्रकारों को सलाम करता हूं, छोटे छोटे शहरों में जो अपनी मोटरसाइकिल पे, अपनी स्कूटर पे, अपनी साइकिल पे अपनी जिंदगी जोखिम में डाल करके पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें सलाम। लेकिन अपने एसी रूम में बैठ करके पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता में बदल देने वाले लोगों पर लानत भी भेजता हूं, क्योंकि चौथे स्तंभ को उन्होंने इतना जर्जर कर दिया है कि आज पत्रकारिता के मायने बदल गए। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, क्योंकि उन्हें नाग नागिन की खबरें दिखती हैं, पत्रकारिता के नाम पर वो जादू टोने की खबरें परोसते हैं, लेकिन एक रोती हुई मां नजर नहीं आती, एक रोती हुई मां के आंसू नजर नहीं आते कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। एक शायर की कड़वाहट है, एक शायर के दिल का दर्द है, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं,
मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहेब से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। एक शायर बोल रहा है, एक कवि बोल रहा है, कहा जाता है कि कवि की जिह्वा पे सरस्वती होती है, कहा जाता है कि शायर अपने वक्त का आईना होता है। इमरान बोलता है और अगर आपको लग जाए कि मेरा तेवर सच्चाई के साथ बोल रहा है, निजाम बदला, हुकूमत बदली तो ये कहा गया कि इमरान साहब लहजा नरम कर लीजिए, अब फासिस्ट लोग सत्ता पे बैठे हैं, जुबान बंद कर दी जाएगी। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहेब, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहेब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार और बहुत साधुवाद आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के लिए। एक नई उम्मीद लेकर के, एक नया जोश लेकर के, एक नया हौसला लेकर के मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, और आप सारे लोग भी कल समापन के बाद जाइए, और जो यहाँ सुना है, जो यहाँ सीखा है, उसे खुद तक महदूद मत रखिए, उसे लोगों तक पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।